नमस्कार जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश कौर, ट्रिपल एस एम जी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिब्रा हैं और उनके पर्सन हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं और उनकी उनके प्रति एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए जो है ये सॉरी गाइस नाम भी भूल गई, जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनकी जेमिनाई को लेकर थिंकिंग क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। कि वो चलिए देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, तो वो जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो जेमिनाई के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें, हालांकि इस रिश्ते में इमोशंस हैं काफ़ी, दोनों तरफ से काफ़ी प्यार प्रेम है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने इमोशंस जाहिर करने चाहिए, वो उन्हें प्यार इस रिश्ते में प्यार देना चाहिए, इस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहिए, खुशियों भरा बनाना चाहिए। या फिर वो खुद वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पार्टनर से प्यार करना चाहिए या इस रिश्ते को एक बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी काफ़ी प्यार प्रेम इस रिश्ते में दिख रहा है। कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करना चाहिए इस रिश्ते को, जो इमोशंस हैं, जो बातें हैं, जो प्यार प्रेम है एक दूसरे के साथ, तो उन्हें इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब भी दोनों तरफ से अगर इस रिश्ते में प्यार प्रेम है तो उन्हें जाहिर करना चाहिए एक दूसरे को और इस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको किंग ऑफ कप्स को। द फूल, द मैजिशियन एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो जेमिनाई के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम, जो मैनिपुलेशन चल रही है, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो रही है, ये तो वो इन चीज़ों को ना खेले। अगर वो उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन खेल रहे हैं तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए लेकिन वो इंसान हार सकते हैं, उनकी ईगो जीत जाएगी लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। और अगर उनकी भावनाओं के साथ कोई थर्ड पर्सन है, जो इस तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, तो वो उस पर्सन को जाने पहचाने और उसको इग्नोर करे, उस पर्सन को रिश्ते से ख़त्म करे। क्योंकि तभी जब तक इस रिश्ते में ये जो ईगो हर्ट हो रही है, ये ड्रामा फाइट्स चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और वो महसूस कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो सोच समझ कर इस रिश्ते में एक्शन लें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, उन पर यकीन करते हुए, जो मैनिफेस्ट हो रही है और उस अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करें। उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी इच्छा है, वो तभी पूरी होगी जब वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से इस रिश्ते के बारे में प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हालांकि दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से अब भी कहीं ना कहीं इसमें प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ वो अगर खेल रहे हैं तो उन्हें ना खेलें और इन इमोशंस को शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें, और जिसकी ताकि ये रिश्ता पहले की तरह खुशियों भरा हो सके, इस रिश्ते में प्यार आ सके। और अगर वो इसी तरह उनकी भावनाओं के साथ खेलते रहे
तो परेशानी दुविधाओं के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो देखते हैं कि जो जेमिनाई है वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी उनको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर को क्या करना चाहिए। सेलिब्रेशन, वो जो जेमिनाई है वो अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनके साथ मिलकर एक सेलिब्रेशन करना चाहिए, एक टी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी कुछ हो सके वो करना चाहिए, ताकि वो खुलकर एक दूसरे से इस रिश्ते के बारे में बातें कर सकें और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों में तब्दील हो सके, एक फैमिली परिवार की तरह वो उनसे खुलकर बातें करने के बारे में सोच रही है। या फिर वो या तो वो खुद अपने पर्सन से बातें करना चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पर्सन के साथ मिलकर एक टी पार्टी या लंच डिनर ब्रेक उनके साथ करना चाहिए, ताकि वो खुलकर बातें कर सकें, या फिर वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनके साथ एक पार्टी एक फैमिली एक परिवार की तरह उनसे मिलना चाहिए और लंच के बहाने या टी पार्टी के बहाने कॉफ़ी पार्टी के बहाने या डिनर के बहाने जैसे भी पॉसिबल हो सके खुलकर बातें करें और इसमें सेलिब्रेशन करें, एक फैमिली एक परिवार की तरह इस रिश्ते को चीयरफुल करें। तो इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें आमने सामने खुलकर एक पार्टी सेलिब्रेशन होती है तो चीज़ें सारी ठीक हो सकती हैं। देख लेते इसको क्लैरिफाई करके, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जेमिनाई महसूस कर रहे हैं कि जो वो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए, जो रास्ता ही नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रुक तो उन्हें दो कदम पीछे हटकर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पट्टियां खोलते हुए एक मन एक विचार करना चाहिए और जो मार्ग सही जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर बनाना, घर बसाना, फिर से उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, चीज़ें पॉजिटिव बनाना, चीयरफुल करना, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना, ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो उनसे वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से मिलकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और एक भले ही एनर्जी इमैच्योर है लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनके साथ एक ब्रेकफास्ट करेंगे या डिनर करेंगे या लंच करेंगे या टी पार्टी वगैरह करेंगे और इस कन्फ्यूज़न तो वो इस कन्फ्यूज़न इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक पार्टी रखनी चाहिए और उसमें सारी चीज़ों को इस जो परेशानी दुविधा इस रिश्ते में हो रही है उनमें एक सोच समझ कर आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए एक दूसरे के बारे में समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए और माफ़ी अगर मांग लेंगे तो ये रिश्ता फिर से पहले की तरह चीयरफुल हो सकता है। तो देखते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं, यहाँ उनकी फीलिंग है, वो फील कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ फीलिंग है। तो देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं एक दूसरे से। स्टेबिलिटी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ केसेस में वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें रिश्ते के बारे में ना सोचकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना जॉब, अपना पैसा, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अगर वो खुल कर जिएंगे और आप स्टेबल होंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, कुछ अच्छी अर्निंग करेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता फिर से
उनके पास दौड़कर चला आ सकता है और उन्हें इस रिश्ते के बारे में गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो ये बर्ड बैठा हुआ वो एक गुड न्यूज़ गुड हैप्पी खुशखबरी लेकर उनके पास आ सकता है। अगर वो अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और कुछ केसेस में वो सोच सकते हैं कि उन्हें पहले इस रिश्ते के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर रिश्ता आगे बढ़ जाता है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि एक कार्ड की कई मीनिंग हो सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो जल्दबाजी ना करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें। जब उनको लगता है कि वो स्टेबल हो चुके हैं, वो रेडी हो चुके हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, वो स्टैंड ले चुके हैं अब फ्रीडम और आज़ादी के साथ और जॉब बिजनेस करियर उनके पास सब कुछ हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि वो इसमें एक छोटी सी बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें जो धीरे धीरे करके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है। और अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे और इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उनके फेवर में आ सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है इस रिश्ते से और विक्टोरियस हो सकता है रिश्ता। समाज में नाम होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगी, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ तारीफ होगी और लोग उनको फॉलो करेंगे क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, दम है, ताकत है, हिम्मत है। काफ़ी अच्छा ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस रिश्ते से पूरी की जा सकती है। तो काफ़ी वो यही चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को में स्टैंड लें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें। जब उन हर तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे तो रिश्ता उनके पास फिर से दौड़ कर चला आएगा। और वो जब वो प्रिपेयर हो जाएंगे इस चीज़ को के लिए रेडी हो जाएंगे तो वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, भले ही धीरे धीरे बढ़े रिश्ता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा हो। धीरे धीरे अगर रिश्ता बढ़ेगा तो इसका मिठास भी बढ़ेगा, इसमें जो परेशानियां, जो दुविधाएं, जो खटास था वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता पॉजिटिव होगा। नाम समाज में मान सम्मान होगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। तो देख लेते हैं कि जो जेमिनाई है वो क्या सोच, वो क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। जेमिनाई अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, तो शायद वो सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे पहले उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बता रहा है कि उन्हें एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलकर, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो परेशानियां, जो बाधाएं इस रिश्ते में आई हैं, बजाय के उसको उसमें स्ट्रेस लेने के, रातों की नींद हराम करने का, उसका सॉल्यूशन, उसका हल ढूंढे, मतलब रिश्ते में आगे बढ़े। अगर वो हल ढूंढते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और एक शुरुआत करते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। नाइट ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो जेमिनाई अपने पार्टनर से चाहते हैं, अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, जल्दबाजी ना करें क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी, और अगर जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में और वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक से उनके मन में आया कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं और इस रिश्ते में एक जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें पहले की तरह हो सके। तो इसलिए वो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से वो इस रिश्ते में एंट्री करना चाह रहे हैं। जो जेमिनाई है वो अपने
पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके, या तो वो खुद इस रिश्ते में अचानक से जाना चाहते हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि सही समय वक्त आने का, कि जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो उनके पर्सन को अचानक से उनके पास आना चाहिए। और इस रिश्ते में जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रही है, समय के साथ फ्लो के साथ उन्हें चलना चाहिए बिना किसी परेशानी दुविधा के, और उसे एक्सेप्ट करते हुए इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी चाहिए इस रिश्ते में, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियों भरा हो सके, नेम और फेम दिलाने वाला हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं कि अचानक से वो ऐसे आए कि जैसे वो उनका कोई वेट भी नहीं कर रहा था, तो या फिर वो खुद ही अचानक से कि उनके पार्टनर उनका सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वो अचानक से एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके उसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम वाला हो सके, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार करेंगे। इसका आउटकम देख लेते हैं। स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में स्टैंड लिया जा रहा है, नहीं तो कोई एक जना महसूस कर रहा है कि जब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। अगर वो स्टैंड लेंगे तो रिश्ता पहले की तरह बन सकता है, पहले की तरह खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो इसलिए चाहे भले ही उन्हें थोड़ा सा अपनों के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन वो अगर स्टैंड लेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगे। तो स्टैंड लेते हुए इस रिश्ते से दिखाई दे रही है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें या तो जेमिनी या उनके पर्सन वो इस रिश्ते में क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी रतभेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, वो चाह रहे हैं कि चीज़ों को, सारी चीज़ों को क्लियर करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनके पार्टनर उनसे कुछ भी ना छिपाएं, कुछ भी हेरा फेरी ना करें, ताकि आगे जाकर कोई पछतावा ना हो। और वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में को प्रैक्टिकल बनाएं, खुशियों भरा बनाएं, इसमें स्टेबिलिटी इस रिश्ते में तभी आएगी जब वो इस रिश्ते में बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी फरेब के इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, यूनिवर्सिटी जो उनका साथ दे रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करें और बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के, बिना ईगो हर्ट किए, और अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ वो उनके इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और अच्छे अच्छे काम इस समय में करें, क्योंकि भाग्य का पहिया फिर से चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ये किसी का वेट इंतज़ार नहीं कर सकता। समय के साथ, फलों के साथ, समय के साथ ये बदलता रहता है और बदलना भी चाहिए। तो वो इसलिए जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कार, अच्छी भावनाओं के साथ, जब तक समय उनके फेवर में है तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज़ वो करते दिखाई दे रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और इस रिश्ते को वो, क्योंकि अगर वो स्टैंड लेते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, स्टेबिलिटी आएगी, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, और ये रिश्ता प्रैक्टिकल होता दिखाई दे रहा है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड द एम्परर। तो इसकी गाइडेंस बता रही है, यूनिवर्स गाइड करना चाह रही है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, परेशानियों से, ठीक है, आपको इस रिश्ते से लेकर परेशानियाँ हुई हैं, दुख
दुख हुआ है, आपका मन दुखा, दिल दुखा, लेकिन आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद आराम करने के, अगर थोड़ा सा भी इसका कोशिश करेंगे आप, इसका हल ढूंढेंगे और इस रिश्ते में एक अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इसमें एक समय रहते एक डिसीजन लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी जा सकती हैं। तो एक आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, भले ही वो डिसीजन आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इतने सख्त नहीं बनेंगे, रूड नहीं बनेंगे, दोनों तरफ के बारे में सोचते हुए बुद्धिमानी समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता आगे फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है। थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नमस्ते, थैंक यू सो मच।